हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? गुड आफ्टरनून। कैसे होंगे? और भगवान से ये दुआ करूँगी कि जितने मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं सब खुश रहें और हमेशा मेरा साथ देते रहें। और जब आप लोगों का साथ होगा तो हमारा जीवन सफल रहेगा। आज हम राम मंदिर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि रामलला की स्वागत बिहार से अयोध्या काम देने जा रही है, जो कि कभी भी बच्चा नहीं देती है और वो दूध देती है। बिहार से जा रही है और उसी दूध से, उसी काम देने गाय से के दूध से रामलला मंदिर में पूजा होगी और उसका मतलब भगवान जी को चलाया जाएगा, अर्पण किया जाएगा। और बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि रामलला मंदिर में 120 फीट की अगरबत्ती बनी है, जो कि लगते आ रही है। और यानी कि जनकपुर से सोने चांदी और नया मिठान हर चीज आ रही है, क्योंकि जनकपुर के लोग कहते हैं कि जब लड़की के ससुराल जाया जाता है तो सारा सामान लेके जाया जाता है। इसलिए उन्होंने डलियों में, बहुत सारी डलियों में मिठाई इसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी भी कम है। और ऐसा मंदिर हमने पहली बार देखा है जो कि बीजेपी राज में संभव हो पाया है। बाकी सरकार तो बहुत आई है, बट किसी ने प्रयास नहीं किया। नहीं तो बनवाने के सभी बना सकते थे, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, ना हिम्मत दिखाई। और बीजेपी सरकार में योगी मोदी जी ने मिलकर राम मंदिर का निर्माण कराया और 22 तारीख को इतना भव्य स्वागत होगा कि देखने लायक होगा। सारी जिंदगी में हम उस भव्य को भुला नहीं सकते। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में धन्यवाद।